खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस काम में जुटी है, जिसकी जानकारी NIA की तर्ज पर बनी SIA यानी जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ लगी। खबर है कि जांच एजेंसी को जैसे ही पता चला कि बिटकॉइन के जरिए आतंकी संगठनों तक पैसा पहुंचाया जा रहा है, उसने कुपवाड़ा, बारामूला और पूंछ के साथ कई इलाकों में छापेमारी की। बताया गया कि इस दौरान जांच एजेंसी ने कई मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सिम कार्ड और दस्तावेज बरामद किए। खबर तो ये भी है कि SIA ने इस मामले में पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड की भी पहचान कर ली है, जो ISI और दूसरे आतंकी संगठनों के इशारे पर बिटकॉइन के जरिए आतंकियों को पैसा भेज रहा था। बताया गया कि इन पैसों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाना था, लेकिन जांच एजेंसी को इस साजिश का पता पहले ही चल गया। बताया यह भी गया कि जम्मू कश्मीर के बाहर के अकाउंट से बिटकॉइन के जरिए पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बने। जिसके बाद SIA इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, ताकि इससे जुड़े लोगों की न केवल पहचान हो सके बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। खबर है कि टेरर फंडिंग के इस नए तरीके की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर में मौजूद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।